तो हेलो गाइस, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल फ्रेश गार्डनिंग पर। ओके दोस्तों, तो आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं किसी पौधे की केयर के बारे में। बात नहीं करेंगे किस पौधे को उगाएंगे नहीं, आज आपको जो है मैं एक फ्लावर दिखाने वाला हूँ जो है हमारे गार्डन के अंदर सबसे बड़ा फ्लावर है फिलहाल के टाइम पर। काफ़ी खूबसूरत देखने में लग रहा है, पौधे पर एक ही फ्लावर है, बाकी पौधों में जो है बड्स आई हुई हैं। और ये जो है गार्डन में फ्लावर तो बाकी बहुत से लगे हुए हैं, पोर्चुला भी है, चांदनी के भी हैं और हमारे पास दूसरे भी बहुत सारे फ्लावर हैं। और जो ये वाला आपको चांदनी का पौधा नज़र आ रहा है, ये बहुत छोटा है, तब भी इसमें देखिए कितने गुच्छे में जो है फ्लावर बनेंगे, काफ़ी अच्छे लगेंगे देखने के बाद। और जो है मैरीगोल्ड भी हमारे पास है, अच्छे तरीके से फ्लावरिंग कर रहा है। थोड़ी गुलाब तो गर्मियों के मौसम में दोस्तों जो है मरना स्टार्ट हो गए हैं, पर मेरे पास कुछ बचे हुए हैं, दो मेरे जो है बिल्कुल मर चुके हैं। विंका में भी फ्लावरिंग अच्छे तरीके से हो रही है, रोज़ में भी अच्छे तरीके से हमारी फ्लावरिंग हो रही है, मैरीगोल्ड में भी, हिबिस्कस में भी, बाकी जो है चांदनी उसमें भी अच्छे तरीके से फ्लावरिंग हो रही है, डबल चांदनी में भी। और जो है ये वाला चांदनी का पौधा आपके सामने जो है आपको नज़र आ रहा है, काफ़ी सुंदर देखने में लग रहा है। पत्तियों से ज़्यादा दोस्तों इसमें जो है बड़ आई हुई है, और जब वो अच्छे तरीके से बड़ी हो जाएंगी फिर जो है वो फूल बनेंगे उनके अंदर, तो काफ़ी सुंदर जो है देखने में हमें लगेंगे। अगर फिलहाल के टाइम की बात करें तो काफ़ी अच्छे तरीके से फ्लावरिंग हो रही है। देखिए मैं आपको दिखा दूँ कितने गुच्छे में जो है इसमें फ्लावर लग रहे हैं, और जब अच्छे तरीके से पूरा ये फ्लावर से भर जाएगा तो काफ़ी सुंदर हमें देखने में लगेगा। लगभग 2 साल का ये प्लांट हो चुका है, इसी गमले के अंदर लगा हुआ है, एक बार इसकी रूट प्रूनिंग की थी। और जो ये हिबिस्कस का पौधा आपके सामने नज़र आ रहा है, ये कटिंग से ग्रो किया हुआ पौधा है हमारा, और अब इसके अंदर जो है एक बड आई हुई है, लगभग कल तक ये खिल जाएगी। और दोस्तों ये जो है हमारा आपके सामने है सनफ्लावर, सूरजमुखी, जो मैं आपको दिखाने वाला था, हमारे गार्डन का जो है सबसे बड़ा फूल ये है, पूरे गार्डन के अंदर फिलहाल के टाइम पर सबसे बड़ा फूल मैं इसको कहूँगा। अच्छे तरीके से दोस्तों ये फूल जो है सूख जाएगा तो इसके अंदर सीड बनने स्टार्ट हो जाएंगे, बीज बनने स्टार्ट हो जाएंगे, उनको भी हम लोग जो है कलेक्ट करेंगे और अच्छे तरीके से उनको भी अगले साल जो है हम लोग ग्रो करेंगे। गर्मियों के मौसम का काफ़ी सुंदर ये पौधा है, हमारे गार्डन एरिया के अंदर जो है लगा हुआ है और काफ़ी सुंदर भी देखने में लग रहा है। कम से कम 7 से 8 पौधे मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं, पर अब फूल जो है पहला यही खिला है उनके सबसे पहले, मैं लेट हो गया था थोड़ा लगाने में। ये जो है एक जगह पर लगे हुए हैं 2 पौधे, अमरूद का है एक और एक जो है हमारा सनफ्लावर है, काफ़ी सुंदर देखने में लग रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक, आप कमेंट कर बताना कि आपको सनफ्लावर जो है कैसा लगा, सूरजमुखी आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेश गार्डनिंग, खुद भी हेल्दी रहिए और अपने प्लांट्स को भी हेल्दी रखिए।